मैं आपको गारंटी इस बात का दे रहा हूँ, क्या भी मामला मुसलमानों के खिलाफ रहा तो आपका भाई आपकी आवाज बनकर ठहरेगा। एक ही गारंटी, दूसरी गारंटी नको। तीन साल के अंदर वो काम मुकम्मल कैसा नहीं होता, नहीं करे इस वाले को अखल ठिकाने लाता जिता के लाता। मेरे को दुआओं की जरूरत है, मेरे को आपकी ताकत की जरूरत है। इस बार साथ दिया, वादा है आपका, हमारे को खाने का गारंटी नको, हमारे को गारंटी होना इज्जत की गारंटी, हमारी शरीयत के तहफ्फुज की गारंटी होना। This video presented by Bakers Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको वायदा करता हूँ, आपका भाई जीत के आया, कोई पुलिस वाला हमारे मुस्लिम मेहनत करने वाले नौजवान के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। अगर बेवजह हाथ उठाएगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कानूनी तौर पर। खामोश कब तक बैठेंगे, कब तक खामोश बैठना है? हम मुसलमान हैं, हम बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारे मस्जिदों तक आ गए, हमारे बहनों के लिबास तक आ गए, हमारे गोश्त तक आ गए, खाने तक आ गए। आज हमारे तारीख़ जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले फ्रीडम फाइटर्स हैं उन तक पहुंच गए। सबसे हिमाकत की बात, टीवी चैनल्स पर बैठ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी गुस्ताखी करने की जुर्रत कर रहे हैं। ये हालात आज हमारे सामने, ये ऐसे हालात में इतने मुसलसिल तौर पर हमारे सामने हालात हैं, और हमारे फैसले क्या हैं? आप लोगों के हाथ में है, आप फैसला क्या करेंगे? उनके खिलाफ खड़ा होकर मुंह तोड़ जवाब देने वाला, बात करने वाला, लड़ने वाला होना, क्या खामोश घर में बैठने वाले लड़ने वाले? मस्जिदों तक अगर कोई आता है हनुमान चालीसा पढ़ाने के लिए तो जाके सुबह में 8 बजे देखेंगे कोई माँ का लाल जना है, कौन जना है, कैसा आता मस्जिद के पास बोल के ठहरने वाला होना? वैसे छोना ना 7 बजे जाके ठहरे हैं मौलाना के साथ। पूरे कर्नाटका में सबसे पहले हिजाब के खिलाफ, हिजाब होना चाहिए बोल के आवाज़ उठास वाला मैं। हिंदुस्तान के अंदर राज्यसभा में बिल पास हो रहा था, गुलबर्गा में बाकस में मीटिंग करवाए। कोविड के अंदर कोई एहतजाज हिंदुस्तान में नहीं करा, गिरफ्तारियां हो रही थी रमजान के महीने में, बस स्टैंड के सामने एहतजाज किया, केस डाल लिया। 2 बार हारने के बावजूद हिम्मत नहीं हार, लड़ रहा हूँ आपके लिए, अभी तक लड़ रहा हूँ। मेरे को दुआओं की जरूरत है, मेरे को आपकी ताकत की जरूरत है। इस बार साथ दिया, वायदा है आपका। ये 10 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ, आप सब सुनते आ रहे हैं, 24/7 24 घंटे आपके घर तक नल आएगा, पानी आएगा, उनको बोले सुनते हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं। 10 साल से मौका दिए, एक बार मेरे को मौका। 3 साल के अंदर वो काम मुकम्मल कैसा नहीं होता, नहीं करे इस वाले को अखल ठिकाने लाता जिता के लाता। तुम उन्होंने 40 साल से उनको मौका दे रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हैं, फिर आकर तुम्हारे को गारंटी कार्ड देते हैं। मैं आपको गारंटी इस बात का दे रहा हूँ, क्या भी मामला मुसलमानों के खिलाफ रहा तो आपका भाई आपकी आवाज़ बनकर ठहरेगा। एक ही गारंटी, दूसरी गारंटी नको। वो सब गारंटी हम रख ले, तुम नौकरियाँ आते हैं, आपका पेट भरने वाला कौन भरने वाला है जी? अल्लाह गारंटी लिया, लिया नहीं गारंटी कुरान शरीफ में, बेशक आपको पैदा कराया तो अल्लाह गारंटी ले लिया। रिस्क देने की गारंटी, छोटे से छोटे कीड़े को जमीन के अंदर ढसे हुए कीड़े को, समंदर में रहने वाली कोने से कोने मछली को रिस्क देने की गारंटी अल्लाह रब्बुल इज्जत। हमारे को खाने का गारंटी नको, हमारे को गारंटी होना इज्जत की गारंटी, हमारी शरीयत के तहफ्फुज की गारंटी होना, हमारी बहनों के लिबास की गारंटी होना, हमारे इबादतगरों की हिफाजत होना। मुसलमानों की आबाद है, वहाँ के हालात के ताल्लुक से आप लोगों को कुछ बातें बताई जाएं, और आने वाले इलेक्शंस के मुतालिक आप लोगों के सामने हालात को बताते हुए नासिर हुसैन उस्ताद साहब आप लोगों से इजाज़त तलब करने और आप लोगों से उसके ताल्लुक से बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, आप सभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में हैं, आप लोग
यहाँ पर मौजूद हैं, गुलबर्गा में पुरमन फिज़ा में मौजूद हैं। अभी हालात मुश्किल नहीं हुए हैं, लेकिन मुश्किल करने की तमाम तर कोशिशें बीजेपी हुकूमत की तरफ से हो रही हैं। आपकी बच्चियाँ, हमारी बहनें आज हिजाब के मामले को लेकर बड़ी परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि पीयूसी एग्ज़ामिनेशन के लिए बच्चियां जा रही हैं तो उनको हिजाब निकाल कर, बुरख़ा निकाल कर जाना पड़ रहा है एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। तो ये हालात इस वजह से पैदा हुए क्योंकि बीजेपी हुकूमत मुसलसल मुसलमानों की शरीयत पर और हमारी शहरियत पर दोनों को टारगेट कर रही है। यानी कि हम लोग हिंदुस्तानी है या नहीं है उसके ऊपर भी सवाल पैदा कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे इस्लाम के ऊपर भी जो है वो लोग बार बार मुसलसल तौर पर हमला करने की कोशिश करते रहते हैं। और सबसे अच्छा और उनके लिए मुनासिब टारगेट अगर कोई है तो हमारी ख्वातीन हैं। वो इसीलिए पहले तीन तलाक के मामले में कूदे, फिर उसके बाद में आकर हिजाब के मामले में पूरे हिंदुस्तान भर के लिए एक मामला पैदा कर दिए। अभी वो मामला पेंडिंग है, लेकिन पाबंदियां इस तरीके से डाल दी गई हैं जैसे कि जो है पूरे स्कूलों में वगैरह पाबंदी आ चुकी है। अगर हालात को उसी वक्त मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो MLAs हैं, मुसलमान होने की हैसियत से वो महज इतना कह देते कि यूनिफॉर्म में हिजाब को भी शामिल कर लिया जाए, असेंबली के अंदर उठकर हिम्मत करके बात कर लेते तो ये भी काफ़ी था। लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनके जो बड़ी जिम्मेदारी रहती है सदर की रहती है, वो उन्होंने कह दिया कि हिजाब के ताल्लुक से कोई बात ही नहीं करनी है असेंबली के अंदर। सबके लब सबके होंठ सिल गए, तो कोई बात करने वाला मौजूद नहीं रहा। ऐसे मुश्किल हालात में जब मुसलसल मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और कहीं पर हमारी बच्चियों की हिजाब के बारे में बात की जा रही है, कहीं पर जो है हमारे नौजवानों को हिरासत में लिया जा रहा है। अलंद के मसले में आप लोगों ने सुना होगा कि 165 लोगों को हिरासत में लिया गया। आप जैसी हमारी माएँ बहनें भी उसके अंदर शामिल थी 10, उनको छुड़ाने का काम नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके भाइयों ने किया। ये बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत गैरमामूली कारनामा है। हिजाब के मामले में सबसे पहले आवाज़ उन्होंने उठाई। इसके साथ साथ आप लोगों ने CAA NRC का मूवमेंट देखा होगा, शाहीन बाग में आप लोग भी आए थे होंगे, तो वो मूवमेंट को सबसे पहले गुलबर्गा शहर में आगे ले जाने वाले और उसकी क़यादत करने वाले नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही हैं। हक को हक, नाहक को नाहक कहने वाला हो तिजोरियां भरकर अपने अतराब के लोगों का ही जेब भरने वाला ना हो, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, इनका ख्याल करने वाला वो हमारा कायद है, हमारा रहनुमा है। आप देखे होंगे जब तक खमरुल इस्लाम साहब थे, उन्होंने पार्टियां बदले, अब मेरी उम्र 55 साल है, मैं उनका 78 का 1978 का इलेक्शन देखा हूँ जिसमें ऊंट था, उसके बाद फिर सीढ़ी आई। जब ऊंट था 78 में वो जीते, उसके बाद कुछ दिन रहे, पार्टी बदल गई, INL बनी, उसमें सीढ़ी आई, फिर वो पार्टी ज्वाइन करे, फिर उसके बाद गए चक्कर आया जनता दल का, INL छोड़े, नेशनल लीग, वो INL बोले तो नेशनल लीग छोड़े, जनता दल से जीते, फिर उसके बाद जनता दल से रहे, उसके बाद फिर जनता दल को छोड़े, और जिसके मुताबिक वो कहते थे कि अगर हाथ में घड़ी है तो ये हाथ मर्द का है, हाथ में चूड़ी है तो ये हाथ औरत का है, कांग्रेस के मुताबिक कहते अल्लाह जाने ये हाथ क्या है, मगर फिर वही हाथ से हाथ मिलाया खमर साहब ने। हमने कहा ठीक है खमर साहब, आप पार्टियां बदलते रहिए, हम लीडर नहीं बदलेंगे। हम 40 साल तक खमर साहब को जिताते रहे, जीते नहीं, नहीं। अब उसके बाद खमर साहब मौत तो हयात अल्लाह के बाद की बात है ना, मरना कभी भी। अब मैं यहाँ आपके सामने आई हूँ, जेजिस के बाहर निकलतू नहीं निकलतू पता नहीं, वो अल्लाह जानता है, मर गए, इंतकाल हो गया। मगर उसी मोहब्बत में, खमर साहब की मोहब्बत में हमने उनकी बीवी को जिताया। अब पूरे 40 साल आप देखे नहीं देखे मालूम नहीं, मैंने देखा, उनकी शादी में भी हम हैदराबाद गए, मगर उनकी अहलिया को हमने नहीं देखा। कब तक? पूरे 40 साल, जब तक खमर साहब हयात में थे नहीं। और आज सब ने देखा है ना, डाले वोट, मैडम को जिता के ला लिया हम। जिता के लाने के बाद इनकी जिम्मेदारी है,
और ये मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। इनकी जिम्मेदारी है कि पूरों का ख्याल करे। पूरों का मतलब गुलबर्गा का शुमार हिस्सा। अब बच्चियां कॉलेज जा रही हैं, एग्जाम दे रही, पर्दा निकाला जा रहा, ये जिम्मेदारी किसकी? मैडम की है कि वो असेंबली में बोले, असेंबली में बात उठाए। हाँ, ये अजान के स्पीकर निकालने की बात गैर कर रहे बीजेपी के लोग, इस पर जिम्मेदारी मैडम की है बोले। हाँ, बाजार में ठेला गाड़ी लगाने वालों को पुलिस डंडे बरसा रही है, इसकी जिम्मेदारी मैडम पे है। नालिया की कॉर्पोरेशन पे है, ये जो कॉर्पोरेटर और जो इलेक्शन, उनकी जिम्मेदारी हो। ये बड़े मसाइल है, ये असेंबली में नहीं बोले। 5 साल हम जिनको इख्तदार हुकूमत दिए जिता के लिए उन्होंने बोले। अब बोलिए, अगर आप बोले बोले हैं बोलकर, तो मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब से इनके खुद पैर पकड़ के कहूंगा कि ये इलेक्शन मत लड़ें, घर में बैठ जाए। नहीं बोले, खामोश रहे। अब सुन रहे, देखे, अब जब अजान के मुतालिक बेंगलुरु के असेंबली से आवाज उठी तो मैडम यहाँ बयान दिए, उसमें मैंने भी कहा तकरीर में कि आवाज बारी करो। अब आवाज बारी करेगा लोग जाना किधर? नमाज पढ़ने, ये इस्लाम का सेवा है, ये इस्लाम का तरीका है। सोचो आगे क्या होगा। अगर यही खामोशी मुसलसल रही तो तुम्हारे घरों में आकर चादरें निकाली।